नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। तो अभी आपने कुछ लाखों में से ये चंद ट्वीट्स ही देखे हैं। जी हाँ, जहाँ अगर द प्रिंट की एक स्टडी को देखा जाए तो उसमें पता चलता है कि आउट ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 81 मिलियन ट्वीट्स जो एनालाइज हुए हैं, 36.9 मिलियन वर ऑन सोर्सिंग और रीफिलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फॉलोड बाय जो क्वेरीज आ रही हैं ऑन एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर एंड ऑल्सो ऑन हॉस्पिटल बेड्स। सो मैं आपको बता दूं दैट द स्टडी कंडक्टेड ऑन 29 अप्रैल बाय डीएफआर लैब, व्हिच इज द डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्च लैब ऑफ वॉशिंगटन डीसी बेस, ने ये स्टेट किया है कि श्रीनिवास बीवी, जो द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूथ कांग्रेस है, वॉज टैग्ड इन द मोस्ट नंबर ऑफ ट्वीट्स इन इंडिया। जी हाँ, विच इज 88,321 SOS ट्वीट्स। वहीं द सेकेंड एंड द थर्ड मोस्ट टैग्ड ट्विटर यूजर्स वर आप MLA दिलीप पांडे एंड एक्टर सोनू सूद। सो आगे बढ़ने से पहले, क्या आपने डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब कर लिया है? नहीं करा, देन प्लीज करें एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। इंडियन यूथ कांग्रेस के इनिशिएटिव जनता के नजरों में आने चाहिए, डोंट यू थिंक सो? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि इंडियन यूथ कांग्रेस के जो काम कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, वो दूसरों की नज़रों में आए। तो उसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें। सो देश भर में कोरोना मरीज और उनके परिजन ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #SOSIYC और श्रीनिवास IYC लिखकर मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ विद द हेल्प ऑफ हिज वॉलंटियर्स एंड एज अ पार्ट ऑफ द IYC इनिशिएटिव, हर एक स्टेट में उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम्स बना लिए हैं एंड द मेन वन इज फंक्शनिंग इन दिल्ली इटसेल्फ। एंड इन सब के पीछे है IYC प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी, हु हैज इमर्ज्ड एज अ पॉइंट पर्सन फॉर दोज सीकिंग हेल्प ड्यूरिंग दिस कोविड सर्च एंड कोविड क्राइसिस। उन्होंने अपनी छोटी सी आर्मी भी तैयार कर ली है, जहां इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट दो महीने से, जी हां, फ्रॉम द पास्ट 2 मंथ्स, वो कोरोना पीड़ितों को अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं जुटाने में लगे हैं। जहां दिल्ली की बात करें तो इनके साथ 10 वॉलंटियर जुड़े हैं काम करने के लिए और हर एक की जिम्मेदारी तय है। कुछ ट्विटर पे SOSIYC हैशटैग के साथ टैग किए गए लोगों को खोजते हैं और जिनको टैग किया होता है उनकी पूरी तरीके से, जितनी हो सके अपने तरफ से, अगर उन पे पॉसिबल है तो वो अपनी अलोंग विद हिज टीम के साथ उनको हेल्प ऑफर करते हैं। और वही कई वॉलंटियर तो दोनों काम एक साथ करते हैं, लाइक ऑन ग्राउंड एंड लैपटॉप के पीछे भी, जहां वो ये देखते हैं कि कितने लोगों ने उन्हें टैग किया है और कितनों ने नहीं। सो ये वॉलंटियर संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर उन लोगों को चुनते हैं जिनकी स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर होती है, क्योंकि इस टाइम पे इतने ज़्यादा लोग हैं, सबकी मदद करना नहीं हो पा रहा। तो चाहे इट्स अबाउट हेल्पिंग अ 3-year-old बॉय इन दिल्ली हु हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन एन ऑक्सीजन सिलेंडर सिंस बर्थ, एंड जब ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज हुई, श्रीनिवास एंड हिज टीम रैन फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड फाइनली मैनेज टू अरेंज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स फॉर द चाइल्ड, एंड लेटर द चाइल्ड्स लाइफ वॉज फर्दर सेव। और चाहे वो ये हो टू हेल्पिंग फैमिलीज इन क्रिमेशंस और परफॉर्मिंग द लास्ट राइट, श्रीनिवास बीवी एंड हिज टीम्स आर डूइंग द बेस्ट दे कैन। सो दिस ग्रुप ऑफ 1,000 वॉलंटियर्स जो ऑन ग्राउंड है एक्चुअली हैंडल्स 1,000 रिक्वेस्ट ऑन ट्विटर पर आर। जी हाँ, तो ये सब तो मैंने आपको अपनी जुबानी बताया और ये बहुत ही स्मॉल जिस्ट है। तो अगर इंडियन यूथ कांग्रेस और उनके इनिशिएटिव्स एंड द सपोर्ट जो वो जनता को कॉन्स्टेंटली ऑन ग्राउंड एंड कंट्रोल रूम में बैठ कर भी जो ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है, तो वॉट बेटर देन कि अगर हम उनकी पार्टी के ही मेम्बर से बात करें, डोंट यू एग्री? सो उसके लिए आज के सेगमेंट में वी आर गोइंग टू स्पीक टू मितेंद्र दर्शन सिंह, हु इज द डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट एट इंडियन यूथ कांग्रेस, अ कांग्रेसमैन, अ पॉलिटिशियन, अ मॉडल, अ लॉयर एंड अ फिटनेस फ्रीक इन चार्ज ऑफ द राजस्थान यूथ कांग्रेस। सो आइए जानते हैं उनकी पार्टी के बारे में एंड द ग्राउंड वर्क एंड ऑल्सो द रिलीफ एड जो वो अलॉन्ग विद द अदर पार्टी मेम्बर्स आर प्रोवाइडिंग two individuals who are in need right now. So let's hear his point of view. Yes, sir. Starting with the, first of all, thank you for connecting with us. It's our pleasure with DNP India. Thank you, sir.
answer, like I'll start with a very basic question. Tell me something about yourself and also about Indian Youth Congress. We all know about it, but we would want to know the vision and mission behind it, like everything. See, what I believe the mission is to serve the people, no matter what time you go through. You need to be in the moment, और उस समय में उस परिस्थिति में कितने अच्छे से आप अपने कर्म और कार्य को कर सकते हैं, ये यूथ कांग्रेस का एक मिशन है. To serve the humanity by keeping the constitution in the mind. आपको याद होगा we the people हम बोलते हैं, we the people, और भाजपा कहती है who the people. यहाँ डिफरेंस है. तो we talk about we the people, they talk about who the people. तो ये हमारा मिशन है कि वी द पीपल इक्वालिटी फर्टर्निटी फेथ होप वी सर्व विथ ऑल द ह्यूमन इमोशन वी हैव. तो दिस इज द मिशन टू सर्व ह्यूमैनिटी. सेकंड इज द विजन. एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का विजन होता है कि हम आने वाले 10 या 15 साल में देश को कहां देखना चाहते हैं. ये कांग्रेस का ही विजन था कि आपने देखा कि इस 70 साल में एयरफोर्स आर्मी आपके डैम्स आपकी आईआईटी आपकी एनआईटी आपका जो प्रोग्रेस ग्रोथ है इस कंट्री का, ये विजन था कांग्रेस का. तो ये हमारा विजन है कि वी लुक फॉरवर्ड 20 इयर्स अहेड. हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, आपने उनका विजन देखा होगा कि उन्होंने 2 साल पहले ही बोला था कि कोविड में प्रिपेयर रही है. दिस इज द विजन द ऑर्गेनाइजेशन हैव, द लीडर्स हैव. सो दिस इज द विजन ऑफ द यूथ ऑर्गेनाइजेशन हमारे श्रीनिवास जी का. हमारे कृष्णा जी जो इंचार्ज हैं यूथ कांग्रेस, वो हमें एक ही चीज सिखाते हैं, अगर सही तरीके से हमको लोगों की मदद करनी है तो ब्रेन के अंदर एक विजन और एक प्लान होना चाहिए कि हाउ यू गोना डू इट. ये श्रीनिवास जी थे जिनके अंदर एक विजन था कि मुझे सिलेंडर रजौरी या रोहिणी में उस घर में पहुंचाना. एक विजन है कि मुझे उसकी स्टॉकिंग रखनी है, कैसे ना कैसे अगर स्टॉकिंग भी नहीं हो पा रही है तो हमें खरीद कर उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को सर्व करना है. नो मैटर इट वाज इंजेक्शंस सिलेंडर्स, ये हमारा विजन था. सो दिस इज व्हाट द विजनरी लीडर्स आर, दे हैव विजन टू सर्व. वो लोग नैगिंग नहीं करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, दे कम ऑन द फील्ड, दे वर्क. और मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका विजनरी होने का है कर्म करना. जब कर्म करते हैं तो वो दिखता है, तो लोगों को अपने आप विजन दिखता है कि इस लीडर का विजन क्या है. That's what I believe. So sir, like you said कि जो राहुल गांधी है the leader, he has already stated 2 years, just to say, yeah, two years back कि about he knew that something was gonna happen, he predicted kind of. So अभी जैसे we know कि second wave and India का the situation is really we are in a crisis situation. So what's your personal take on that? Ki kya hona chahiye? Any conclusions or koi anything from your side and from your party's side? Dekhiye, ma'am, I'll say something very nice about it. Rahul ji ne ek hi baat kahi thi ki hum logo ke paas resources ready hona chahiye tha. Hamare leader ne, hamare neta ne ek hi baat kahi hai aur wo baar baar kahi hai ki aaj hum logo ke hospital jab humne dekha pichle saal kya problems aayi thi, to hum logo ko prepare rehna chahiye tha. और आपको मैं इस चीज को एक अलग अंदाज में बताऊंगा, बहुत कम ही लोग इस बारे में जानते हैं. आपको पता होगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिसको अभी काला कानून, जिसके लिए किसान बैठे हुए हैं, उसके अंदर लोग एक चीज नहीं जानते कि जब ये 1955 में कांग्रेस ने बनाया था, तब उसके अंदर कांग्रेस ने MSP 26 आइटम्स पे लागू की थी. 26 आइटम. इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रेन्स, इट इज नॉट ओनली अबाउट फ्रूट्स, इट वॉज अबाउट ड्रग्स, इट वॉज अबाउट मेडिसिन, जिससे कि उसकी स्टॉकिंग ना हो पाए. अभी जो ये काला कानून आया तो इसमें क्या हुआ, जो आज हमें प्रॉब्लम्स दिखी रेमडेसिविर की, ऑक्सीजन की, क्या हुआ, इट वॉज अ स्टॉकिंग, एक काला बाजारी. तो ये किसान जो लड़ रहे हैं, लोगों को बहुत कम पता है कि ड्रग्स इज ऑल्सो द आइटम ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट. तो आपने क्या किया, लोगों को लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड धारणा दी उसको स्टॉक करने की. तो आज आपने देखा कमी आने का कारण ही सबसे बड़ा ये था कि लोगों ने पहले गवर्नमेंट का नियंत्रण रहता था कि इतना गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट ही तय करेगी कि कितना मार्केट में जाएगा.
और ये जो काला बाजारी हुई आपको भी नॉलेज में, 40,000 का रेमडेसिविर, 20,000, 15,000, 1,00,000, सब जनता को पता है। सो सर, लाइक योर पार्टी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग एड टू द पीपल, चाहे वो बी एस सी, लाइक आई सॉ योर ट्विटर अकाउंट, योर प्रेसिडेंट्स ट्विटर अकाउंट, लाइक इट्स फ्लडिंग विद रिक्वेस्ट एंड एम, सो हाउ आर यू कोपिंग अप विद दैट, एंड मतलब आपकी प्रोसेस क्या है पूरी वो ऑफ डूइंग दैट? देखिए, सबसे अच्छी प्रोसेस एज ए टीम जो बहुत अच्छी मुझे लगी हमारे श्रीनिवास जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, है कि उन्होंने डिवाइड कर रखा है सिस्टम, कि जैसे मैं राजस्थान देख रहा हूँ तो राजस्थान की रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगी, मैं पर्टिकुलर ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट की भी प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं। हम लोग व्हाट्सएप और ट्विटर पे शेयर करके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हर एक नेशनल सेक्रेटरी हर एक जोन का इंचार्ज है, कोई गोवा का है तो कोई महाराष्ट्र का है, तो इस तरीके से एक टीम डिवाइड है एज अ नेशनल सेक्रेटरी। उसके हमारे ऊपर जनरल सेक्रेटरीज हैं 5, वो लोग हमें कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर हमारे नीचे कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं, फिर हमारे नीचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं। तो इट इज अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन जहां पर टीम है। अब जितना हम लोगों से कोऑर्डिनेट हो पाता है, कई जगह हमारी गवर्नमेंट नहीं है, कई जगह है, जितना इस समय में हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हम पे कोई रिक्वेस्ट आता है तो हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से नहीं होता तो पर्टिकुलर आपने देखा होगा किसी विधानसभा में है, जैसे चित्तौड़, उदाहरण के तौर पर चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, उदयपुर में एक विधानसभा है, वल्लभगढ़, अब वल्लभगढ़ में भी हमारे पास एक विधानसभा अध्यक्ष है तो उसको दे दिया। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम शेयर करते हैं, जो मदद हो सकती है वो भी प्रयास करता है, कोई शायद मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से, कुछ लोग मजबूत भी हैं तो मजबूत साथी हमारी मदद कर देते हैं, जो नहीं है तो हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। तो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड सर, इस सब प्रोसेस में कोई आपकी जो मेजर डिफिकल्टी जो आप फेस करते हो वो एनी सच काइंड ऑफ? मैम, एक ही है सबसे बड़ी, आर्थिक, क्योंकि कभी कभी हम कैसे रेमडेसिविर अरेंज कराएं, कभी कभी इतना नहीं है कि ऑक्सीजन के लिए भी हम पे कर पाए, कई हमारे साथ ही नहीं है, जहां जहां हो जाता है अरेंजमेंट मैम वहां पर हम लोग अरेंजमेंट भी कर देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा साथी कितना मजबूत है। कहीं से कहते हैं ना, एक आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, इस दौर में अगर कुछ काम आया तो ना तो पावर आई ना पैसा आया, वो व्यक्तिगत संबंध काम आए। हमारे कितने अच्छे रिलेशंस हैं एडमिन में, हमारे कितने व्यक्तिगत अच्छे रिलेशन है डॉक्टर से, तो जिस व्यक्ति के बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिलेशंस हैं उस व्यक्ति ने जरूर वो काम कराए हैं, और विदाउट एनी पेमेंट, विदाउट एनी पावर, तो व्हाट मैटर इन दिस इज पब्लिक रिलेशन यू क्रिएट विद द पीपल। तो हर किसी को मैं एक मैसेज दूंगा आपके माध्यम से, टुडे पॉलिटिक्स इज मोर अबाउट व्यक्तिगत संबंध, और अपने संबंधों को इस्तेमाल नहीं करना है, अपने संबंधों को भुनाना है, हमें याद करते रहना है, जिनको हम जानते हैं उनसे हमें कनेक्ट रहना है। नो मैटर आप एक महीने में एक कॉल करो, पर डू इट, क्योंकि आज वो एक कॉल भी उन लोगों के काम आया बिकॉज दे वर इन टच। तो हमारी सोसाइटी से बीइंग इन टच वॉज गोइंग आउट, वॉज फ्रेमिंग आउट, बट टूडे आई बिलीव बीइंग इन टच इज द मोस्ट एसेंशियल टूल इन दिस कोरोना विच हेल्प the people to coordinate with each other. So public relations and maintaining a touch, one thing that we learned from you today. Yeah. So being in touch, yes, today's. So sir, your take on the latest controversy of the embassy reaching out to you and the government's reaction to that altogether. So. एक बहुत अच्छी बात है ना, बड़े बनने के लिए कभी कभी एक छोटा सा क्यूज आता है ना, हम सोचते तो हैं कि ये क्यों हुआ, पर किसी की गलती किसी को हीरो बना जाती है। तो हुआ क्या, हमने तो सेवा की पर पब्लिसिटी किसने दी, बीजेपी ने, क्यों, कि उनके मिनिस्टर जब झूठ बोलने लगे हैं तो जो काम करेगा तो मैम काम तो छुपता नहीं है। वो एक कहावत है संस्कृत में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आपका नजरिया वैसी आपके लिए दुनिया। तो सर, सो योर लाइक आपने राजस्थान एंड ग्वालियर का है तो वहां की स्टेट के बारे में आप बताएंगे, लाइक दिल्ली बॉम्बे का तो इट्स वेरी क्लियर, बट वहां का अगर? मध्य प्रदेश में बहुत बुरी हालत थी, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बुरी हालत थी, ऑक्सीजन खत्म हो गया था, 3-4 दिन क्योज में रहे डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स की मैं कैपेबिलिटी कहूंगा, मैं धन्यवाद कहूंगा हर एक डॉक्टर को जिसने इस समय एज अ वॉरियर, नॉट एज अ वाइनर, एज अ वॉरियर दे फाइट एंड दे हैव फाइटेड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द ग्वालियर सिटी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से खुद से, मतलब आप सोचिए, आत्मनिर्भर वो लोग डॉक्टर इतने हो गए कि डॉक्टर की टीम लाइन में लगी थी पूरे समय ऑक्सीजन लेने के लिए,
सरकार प्रोवाइड नहीं करा रही थी, डॉक्टर खुद अपने सिलेंडर्स लेके जा रहे थे कि यार हमारे पेशेंट्स कैसे भी बच जाएं, नहीं तो हम पे ब्लेम आएगा कि हम लोग नहीं कर पाए उनकी सेवा। तो आप सोचिए स्ट्रक्चर इतना खराब हो गया था, पर ठीक है दो तीन दिन बाद थोड़ा बेटर हुआ और मुझे ये लगता है कि आज ग्वालियर में अभी भी रिसोर्सेज आईसीयू बेड्स के नहीं है, वेंटिलेटर के नहीं है, ऐसी कई चीजें हैं। अब क्या है, अब लोगों का कोरोना गांव में फैलने लगा है तो गांव से अब लोग आने लगे हैं, पहले शहर में था अब विलेजेस में भी पहुंचने लगा है, तो हम पर रिसोर्सेज नहीं है। इसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं है, जब 20 बेड हैं तो 20 हैं, कभी उनको महसूस ही नहीं हुआ कि अच्छा वेंटिलेटर यूज कब किया जाता है, व्हेन पर्सन इज इनटू द वर्स्ट 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 कंडीशन। तो जाहिर सी बात है कोई भी हॉस्पिटल 3 या 4 वेंटिलेटर रखेगा, क्योंकि ऐसा कुछ माहौल ही नहीं था। अब जब एकदम लगा कि हर किसी को वेंटिलेटर की जरूरत है तो क्योस तो बढ़ेगा, एंड इट इज वेरी हार्ड टू मैनेज। बट डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स एंड आई अप्रिशिएट इट कि टुडे स्पेशली ऑल द यूथ डॉक्टर्स दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, अपना समय पूरा 24 घंटे में से मैं कहूंगा 18 घंटे वो हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं, वेदर इट इज अ नर्सिंग टीम। और इसमें आप याद रखिएगा डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग टीम का बहुत बड़ा रोल प्ले है। डॉक्टर्स दवाई दे सकते हैं पर ख्याल तो नर्सिंग टीम को रखना पड़ता है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड सर, व्हाट यू अलोंग विद योर वॉलंटियर टीम्स आर डूइंग फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, जैसे मैंने सुना है यू हैव बीन यू नो ऑन द अपर हैंड, सो व्हाट आर यू डूइंग फॉर दैट? सी फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, जो अभी इतना क्योर्स नहीं हुआ हमारे जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार तो हम फूड से लेके स्लीपर से लेके सारी चीजों का अरेंजमेंट था, पर इस बार अभी क्योंकि शहर आपको पता होगा ओवरऑल लॉकडाउन नहीं हुआ है तो अभी लोग इतना ट्रेवल नहीं किए हैं खासकर ग्वालियर में, पर जो जो बसों में गए थे वहां पर हम लोगों ने खाने दिया यूथ कांग्रेस की टीम ने, जो जो बस से जा रहे थे, तो दैट वॉज द स्टेप टेकन। बस ये था कि अवेयरनेस एक टीके को लेके जो हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान में एक चीज हमने बहुत अच्छी कर रखी है, हमने डिस्ट्रिक्ट में टीका लगाने के लिए यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पर्सनली हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगा रखे हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कैंप लगाते हैं और उसमें क्या है जिनको टीका नहीं है उनको लग रहा है। दूसरी चीज हमने प्लाज्मा के लिए वर्किंग कर रखी है, दूसरी चीज उन्होंने प्लाज्मा के लिए वर्किंग कर रखी है, सॉरी उन्होंने प्लाज्मा के लिए वर्किंग कर रखी है, वर्किंग ऐसे कर रखी है कि हम लोगों ने जोन में डिवाइड कर रखा है और जो लोग आ सकते हैं वो प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। और एक अच्छी चीज जो आपके माध्यम से बताऊंगा, आइसोलेशन किट, हम लोगों ने एक आइसोलेशन किट ब्लॉक तक जिसमें एम्स के डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयां बताई हैं कि आप ये घरों में पहुंचाइए, जैसे कभी कोई बात हो जाती है तो व्यक्ति गांव में नहीं ले पाता है तो हम वो आइसोलेशन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। सर सर, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप उन लोगों को क्या बोलोगे जो लोग आपकी आप पे और आपके जो वॉलंटियर्स उन पे टैग लगा देते हैं कि ये सब एक पॉलिटिकल इंटेंशंस की वजह से किया गया है एंड यू नो इसमें कोई इनका रियल मतलब, उन पे आपका क्या कहना है जो टैग्स जो आप पे लगते हैं? मैम देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, राजनीति करते हैं तो टैक्स तो लगते रहते हैं। जो मैंने अभी आपको एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, व्यक्ति अपने कर्म से वो टैग हटाता है। आपको याद होगा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जब क्लास में हम लोग सेकंड थर्ड में होते हैं तो ये कह देते हैं टीचर्स की ये गधा है, ये होशियार है, तो टैग लगा दिया जाता है बच्चों पे कि होशियार है तो आगे बैठेगा, गधा है तो पीछे बैठेगा। एट लास्ट होता क्या है कि जब बड़े होते हैं तो पता चलता है जो बैक बेंचर था वो सीईओ है किसी कंपनी का, जो सबसे आगे बैठा हुआ था उसने या तो सुसाइड कर लिया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो टैग्स लगाने से कुछ होता नहीं है, सोसाइटी का एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये तो काम होता है किसी ना किसी तरीके से बातें बनाना। और अब हर एक व्यक्ति और यूथ इतना समझदार हो चुका है कि वो समझते हैं टैग लगाना क्या होता है, काम करना क्या होता है। टुडे द पावर ऑफ एजुकेशन हैज गिवन अस अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट कि हम उस टैग से ऊपर निकल चुके हैं, अब हमें खुद पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, एंड वी कैन एनालाइज बाय आवर ओन सेल्फ। सर, योर फाइनल मैसेज टू आवर व्यूअर्स? मैं आपके व्यूअर्स को एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, मैंने कहानी खुद से बनाई है और मैं कई जगह शेयर भी करता हूँ। आपको याद होगा भाजपा सबसे ज्यादा क्या कहती है, हम हिंदू हैं, राइट? हिंदू की राजनीति करते हैं और सबसे ज्यादा ये राजनीति किसकी करते हैं, प्रभु राम की, राइट? मेरा एक नजरिया है इसमें, राम जो थे ना उनके प्रिंसिपल क्या थे,
उनके प्रिंसिपल थे टू सर्व पीपल, राइट। हर किसी में एकता का भाव होना चाहिए, हर किसी के अंदर बराबर का हिस्सा होना चाहिए, हर किसी को एक नजर से देखा जाए। सबसे बड़ी बात, जो बेरी आपको याद होगा, शबरी के जो बेर खाए थे, वो एक आदिवासी लेडी थी जिसके जूठे बेर खाए थे, राइट। तो ये प्रभु राम की कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ अच्छी प्रिंसिपल्स हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो इन प्रिंसिपल्स को कांग्रेस ने फॉलो किया है, ना कि भाजपा ने। भाजपा ने अयोध्या को बना दिया लंका, पूरा देश जल रहा है। राम नाम का तो इन्होंने कोई गुण ही अपने विचारों में और चरित्र में नहीं रखा है। देश जानता है कि ये कितने राम जी के गुणों पे काम कर रहे हैं। अगर सही में ये लोग राम भक्त होते, अगर ये हिंदूवादी होते, जिस तरीके से आज ये देश जल रहा है, ये देश जलता नहीं। आज जिस तरीके से पीएम अपना घर बना रहे हैं, उस घर की जगह अगर सही में राम भक्त होते तो अपने लोगों के लिए लगाया होता वो फंड। ये राम की सही परिभाषा है। कांग्रेस ने इस परिभाषा को अपने जीवन में कैसे अपनाया? संविधान किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। सबको एक माला में पिरोया। इक्वालिटी के बारे में कांग्रेस ने बताया। फर्टेनिटी, भाईचारा के बारे में कांग्रेस, ये हम है जो सही में उसको प्रैक्टिस करते हैं, हर किसी का हक। तो ये अब लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रभु राम का अगर सही में चरित्र है तो वो कांग्रेस की सोच और विचारों में है, पर हम उसको बेचते नहीं है। हम उनको अपने कर्मों में करके दिखाते हैं, जो श्रीनिवास जी कर रहे हैं, जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और हर एक यूथ कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस का वर्कर। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस, इट वाज अ प्लेजर, सीरियसली थैंक यू। एंड आई एम सेम, आई रियली एंजॉयड इट, थैंक यू। लर्न अ लॉट वी अलोंग आवर विद द व्यूअर्स, यस, थैंक यू सर। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो देखा आपने, एज राइटली सेड, आज के सिनेरियो में रिलेशंस एंड अच्छे इंटेंशंस ही काम करते हैं। सो अगर आपको हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। शेयर 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 दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।